हर हर महादेव। आप सभी को अश्विनी शुक्ल पक्ष प्रदोष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे अक्टूबर का पहला प्रदोष व्रत कब है, भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त और जानेंगे इस व्रत से जुड़ी अन्य सारी महत्वपूर्ण बातें। अक्टूबर का पहला प्रदोष व्रत अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। ये मंगलवार को होने की वजह से भौम प्रदोष व्रत होगा। हर माह में दो प्रदोष व्रत होते हैं, पहला कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। प्रदोष व्रत के दिन उपासक व्रत रखते हैं और शाम के समय में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इस बार भौम प्रदोष व्रत के दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करने के लिए शिव वास भी है। पंडित जी से आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा और भगवान शिव जी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इस दिन बनने वाले तीन शुभ योग कौन से हैं। पहले जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का क्या महत्व है। भौम प्रदोष व्रत का दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मंगल से संबंधित चीज़ें गुड़ मसूर की दाल लाल वस्त्र तांबा आदि का दान करने से 100 गौ दान के समान फल मिलता है। वहीं त्रयोदशी तिथि की रात के पहले पहर में जो भी व्यक्ति किसी भेद के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। और जो लोग भौम प्रदोष व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करते हैं उन पर महादेव की कृपा होती है। शिव कृपा से उनके सभी दुख दूर होते हैं और पाप मिटते हैं और जीवन सुखमय होता है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आरोग्य धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा व्रत की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो ये था भौम प्रदोष व्रत का महत्व। और अब जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की तिथि और डेट। त्रिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 अक्टूबर को सुबह 3:41 से होगी और समाप्ति अगले दिन यानी 16 अक्टूबर को 12:18 पर होगी। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत प्रदोष काल में रखा जाता है, इसीलिए प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। और अब नोट कर लें, इस दिन भगवान शिव जी की पूजा का शुभ समय और उसकी अवधि पंचांग के अनुसार। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए आपको सिर्फ 2:31 मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:52 से शुरू होगा और रात को 8:22 पर खत्म होगा। इस दौरान आप भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं। और अब जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योग का समय। इस बार भौम प्रदोष व्रत के दिन तीन शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन प्रातःकाल से ही वृद्धि योग बनेगा जो दोपहर 2:14 तक रहेगा। उसके बाद से ध्रुव योग होगा। भौम प्रदोष व्रत पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे। भौम प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 10:08 से शुरू होगा और अगले दिन 16 अक्टूबर को सुबह 6:23 तक रहेगा। वहीं रवि योग भी रात में 10:08 से लेकर अगले दिन सुबह 6:23 तक है। इस योग के अलावा उस दिन भाद्रपद नक्षत्र है जो प्रातःकाल से लेकर रात के 10:08 तक रहेगा। उसके बाद से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। और अब जानते हैं इस दिन शिववास का समय। भौम प्रदोष व्रत के दिन आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उस दिन शिववास नंदी पर है जो 16 अक्टूबर को देर रात 12:19 तक रहेगा। उसके बाद शिववास भोजन में है। भौम प्रदोष व्रत के दिन रूप पंचक है। आइए जान लेते हैं रूप पंचक का क्या समय है। प्रदोष व्रत को पूरे दिन पंचक है। ये पंचक 13 अक्टूबर से 3:44 से लग रहा है।
और रविवार को लगने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। रोग पंचक से लोगों को शारीरिक परेशानियां होती हैं और आप जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, भौम प्रदोष व्रत की व्रत विधि क्या है। इसके लिए इस दिन व्रती को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन उपवास के बाद शाम के समय फिर से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और ईशान कोण में प्रदोष व्रत की पूजा के लिए स्थान का चुनाव करना चाहिए और चुनाव करने के पश्चात पूजा स्थल को गंगा के लिए साफ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लेप कर मंडप तैयार करना चाहिए। इस मंडप में 5 रंगों से कमल के फूल की आकृति बनाइए। चाहे तो बाजार में कागज पर अलग अलग रंगों से बनी कमल के फूल की आकृति भी ले सकते हैं। साथ में भगवान शिव की एक मूर्ति या तस्वीर भी रखिए। इस तरह मंडप तैयार करने के बाद पूजा की सारी सामग्री अपने पास रखकर कुश के आसन पर बैठकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिव जी की पूजा करें और पूजा के एक एक उपचार के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, जैसे पुष्प अर्पित करें और ओम नमः शिवाय कहें, फल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय जपें। शिव जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भौम प्रदोष व्रत है और भौम प्रदोष व्रत में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ की पूजा के साथ हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें और पूजा के बाद पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भोलेनाथ से हाथ जोड़कर क्षमा याचना अवश्य करें और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ नहीं आती है सही। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों, एक पोस्ट बनाने में काफ़ी समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है, तब एक पोस्ट तैयार होती है। यदि आपको पोस्ट पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस सब के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।